बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रूस्कल मेथड। हम नेटवर्किंग प्रॉब्लम को कह रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो तीन टाइप की थी। उनमें से जो फर्स्ट टाइप थी वो थी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री को दो तरह से किया जा सकता है, प्रिम्स और क्रूस्कल से। प्रिम्स से हम परफॉर्म कर चुके हुए हैं, इस वजह से अभी हम इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे बाय क्रूस्कल मेथड। ये देखें जी, वही प्रॉब्लम है हमारे पास, नेटवर्क प्रॉब्लम। नोड इसमें जो है वो छः हैं, आर्क इसमें नोड से ज़्यादा है, और हमने क्या करना है इसके लिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। और पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं बाय प्रिम्स एल्गोरिदम, लेकिन अब हम इसे करेंगे बाय क्रूस्कल एल्गोरिदम, क्रूस्कल मेथड। क्रूस्कल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तमाम आर्क्स जो हैं उनको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर वेट के लिहाज से। तो आपके पास ये जितनी भी आर्क आपको नज़र आ रही हैं, इनमें आप देखें कि सबसे कम वेट किसका है। तो सबसे कम अगर देखा जाए तो ये वन है, और ये है फ्रॉम नोड वन टू नोड टू। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नोड वन टू नोड टू वेट इज वन। इसके बाद हमें नज़र आ रहा है थ्री, वन के बाद जो है, और थ्री जो है वो मोर देन वन पोजीशन पे। एक ये पोजीशन है फ्रॉम नोड टू टू फाइव, ये भी थ्री है, और नोड फोर टू सिक्स जो है ये भी थ्री है। तो पहले हम लिख लेते हैं टू टू फाइव इज थ्री, और फिर लिख लेते हैं फोर टू सिक्स, ये भी थ्री है। इसके बाद थ्री से बड़ा नंबर यहाँ पे वेट जो है वो फोर है, और फोर है हमारे पास टू टू फोर के लिए। फोर के बाद इससे बड़ा नंबर जो है वो फाइव नज़र आ रहा है, और वो भी मोर देन वन पोजीशन पे। एक है वन टू थ्री पे, और एक है थ्री टू फोर पे। तो ऐसे इसे हम लिख लेते हैं वन टू थ्री इसके लिए भी फाइव, और थ्री टू फोर इसके लिए भी फाइव। इसके बाद इससे बड़ा वेट जो है वो सिक्स है, और सिक्स एक ही पोजीशन पे है टू टू थ्री पे। तो ये टू लिखा हमने, ये थ्री लिखा, और इसके लिए वेट लिख दिया सिक्स। सिक्स के बाद सेवन है, सेवन है वन टू फोर। सेवन के बाद एट नज़र आ रहा है हमें फोर टू फाइव के लिए। इसके बाद नाइन है, ये है वन टू फाइव के लिए, और फिर है लास्ट में टेन जो कि लास्ट है थ्री टू सिक्स, ये है टेन। अब हमने अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है, यानी ट्री बनाएंगे नोड्स, जितने नोड्स होंगे आर्क उनकी तादाद से एक कम होगी, और सारे के सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होंगे। और जब स्पैनिंग ट्री की बात करें तो नोड्स उतने होने चाहिए जितने इसमें हैं, और जब मिनिमम की बात की जाए तो फिर हमें जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम से मिनिमम जो है वो यूटिलाइज़ करनी है। तो हमने चूँकि इसको लिखा भी मिनिमम तरह से है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इस वजह से आपको जो टोटल वेट मिलेगा इसका वो मिनिमम ही मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि इसे बनाने के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री, पहले नंबर पे हम ये छः के छः नोड जो है उनको ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, उसी पोजीशन के लिहाज से वन, यहाँ पे टू है, ये फाइव है, ये थ्री है, ये फोर है, और ये सिक्स है। अब देखें ज़रा हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, इसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं ये जो है। ठीक है, तो इसे हम ये लगा लेंगे, इसके बाद इसे हम लगा सकते हैं टू टू फाइव। सिर्फ हमने ये देखना है कि हमारा जो सब ग्राफ बन रहा है वो क्लोज नहीं होना चाहिए। तो टू टू फाइव जो है,
टू टू फाइव एग्जिस्ट कर रहा है, वेट है हमारे पास थ्री। इसके बाद फोर टू सिक्स ये भी एग्जिस्ट करता है, फोर टू सिक्स ये हमने लगा लिया, ये भी थ्री है। इसके बाद टू टू फोर, टू टू फोर भी एग्जिस्ट करता है, ये हमने लगा लिया, ये फोर है। इसके बाद है वन टू थ्री, वन टू थ्री आप लगा सकते हैं, ग्राफ आपका क्लोज नहीं होगा, और इसे हम इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए वेट है फाइव, ये एग्जिस्ट करता है। इसके बाद थ्री टू फोर, थ्री टू फोर जो है वो भी आप ड्रा कर सकते हैं ऐसे, इससे भी आपका ग्राफ जो है वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए जो वेट है वो भी फाइव है। अब आपने एक वक्त में या ये डॉटेड रेड लाइन जो है ये लेनी है, या ये सॉलिड ब्लू लाइन जो है इसको लेना है, क्योंकि इसके लिए वेट भी फाइव है, इसके लिए वेट भी फाइव है, और इन दोनों में से जब भी आप कोई एक यूटिलाइज़ करेंगे, ये करें या ये करें, तो देखेंगे आपके पास छः नोड्स थे, पांच आर्क आ गए। वैसे अभी आपको जो नज़र आ रही है ये छः आर्क हैं, एक दो तीन चार पाँच और छः, लेकिन हमें क्योंकि पांच चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने या ये यूज़ करनी है या ये यूज़ करनी है, ये आपकी चॉइस है, इसे कर लें या इसे कर लें, ठीक है। अब देखें ज़रा आगे, अगर इसे भी हम यूटिलाइज़ कर चुके हैं, टू टू थ्री, टू टू थ्री अगर आप करें तो क्या आप कर सकते हैं इसे? नहीं कर सकते। मसलन यहाँ से आप इसको आपस में मिलाएं, टू टू थ्री, तो ये देखें ये टू टू थ्री, ये और ये क्लोज हो जाएगी फिगर, ठीक है। इस वजह से आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। वन टू फोर, वन टू फोर ये देखें, अगर आप इसे यूज़ करते हैं यहाँ, तो ये दोबारा से क्लोज हो जाएगी, ये और ये, इसी तरह से इसे आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर फोर टू फाइव है, ये फोर है, ये फाइव है, इसे जब आप इसके साथ मिलाते हैं तो ये देखें आपकी फिगर क्लोज हो जाएगी, आप इसे यूज़ नहीं कर सकेंगे। वन टू फाइव, वन टू फाइव जो है ये है, तो ये आपकी फिगर क्लोज हो जाएगी, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से थ्री टू सिक्स जो है ये अगर आप करते हैं तो दोबारा से आपकी फिगर क्लोज हो जाएगी, जिस वजह से हमने इनको यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं असेंडिंग ऑर्डर से है, तो हमें ऊपर वाले नंबर जो हैं वही मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। इन दोनों में से आप किसी एक को यूज़ करेंगे, देख लें वेट दोनों के लिए सेम है। तो अब ज़रा अगर हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करें, तो ये वन, ये थ्री, फाइव, फोर और थ्री, इन दोनों फाइव में से आपने चूंकि एक ही आर की एक टाइम में यूज़ करनी है, तो आप एक को ही यूज़ करेंगे, ये नहीं कि ये आपको दो नज़र आ रहे हैं तो आप दोनों यूज़ कर लें। तो टोटल इसका देखें, टोटल आपको वही मिलेगा 16, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।